आइए सब लोग आइए खड़े हो। राहुल जीजा, अरे राहुल जीजा, अरे राहुल जीजा, मैं बता दूं कि मैं पहली बार बहराइच में नहीं आई हूँ। आज से करीब 22 साल पहले मेरी शादी हुई थी बहराइच में। मेरा जो है ससुराल नानपारा के पास एक गांव है, पचपेड़वा, वहाँ का है, तो मैं मूल निवासी यहीं की हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप जीतने के बाद? बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसके लिए मैं अपने पति को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी कि उन्होंने मेरा फौज में रह के विभिन्न बॉर्डरों पर रह के और उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत के श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और अपने बलहा की सभी मतदाताओं को देना चाहेंगे। अच्छा, अब क्या आपकी कार्य योजना होगी? इन दो साल से अधिक समय आपको मिला है, क्या आप करेंगी अब क्षेत्र के लिए जो लगता है कि नहीं हुआ? दो साल में मैं विकास के रथ को आगे बढ़ाऊंगी, क्षेत्र में जाएंगी। काफी पिछड़ा इलाका है ये, कोशिश करूंगी पूरी। और जब हम लोग पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता, यूँ कहिए कि पार्टी के एक सिपाही हैं हम सब, और जब पार्टी हर मोर्चे पर विजय हासिल करती चली जाती है तो बहुत खुशी होती है। और मैं ये खुशी शेयर करना चाहूँगी, आज महाराष्ट्र प्रदेश और हरियाणा में भी जिस तरह से पार्टी ने अपना परचम लहराया है और उसके साथ साथ बहराइच की यह बलहा जो उपचुनाव की सीट पर थी, इसमें बहन सरोज सोनकर ने जिस तरीके से जनता का हृदय जीतने का काम किया है, मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को, पूरे जिले की टीम को, सभी पदाधिकारियों का, सभी देवतुल्य जनता का और सबसे बढ़कर आप सब मीडिया के बंधुओं का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनके कामों को जिस तरीके से आप लोगों नीचे तक ले जाने का काम किया है, उसके लिए सभी को बधाई, बार बार बधाई। हृदय क्या लगता है कि योगी जी की जो चेतावनी दी वो रंग लाई है? देखिए, योगी जी की चेतावनी तो सीधा से एक ही उनका वो है कि या तो जेल में रहो और बेल पर आने की अगले की हिम्मत नहीं पड़ती। तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में उन्होंने सुशासन दिखाया है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी है, अपराधी माफियाओं पर अंकुश पाया है, वह उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश कहा जाता था, आज 2.5 साल के कार्यकाल में योगी जी के कहीं पर एक दंगा नहीं हुआ। ये अपने आप में एक मिसाल है और चेतावनी है कि सुधर जाओ, चेत जाओ, वरना हमारा विजय रथ तो यूं ही बढ़ता जाएगा, तुम मसल दिए जाओ।